हेलो एवरीवन कैसे हो आप सब लोग मैं हूँ आशीष और आप देख रहे हो मेरा चैनल बायोलॉजी वाला जो कि आपके लिए नीट एन को एकदम आसान बना रहा है जो कि आपके लिए लेकर के आन सी आर टी वीडियोज़ बायोलॉजी की जिसमें कि बताऊंगा कि एन सी आर टी से पेपर में क्या आएगा कहाँ से पूछा आएगा कोई भी चीज़ जो समझ नहीं आ रही है वो भी मैं आपको समझाता हुआ चल रहा हूँ वन शॉट वीडियोज हैं एक वीडियो में पूरा चैप्टर कवर होगा पहले हमने ट्वेल्थ की काफ़ी सारी वीडियोज़ बना लिया जो कि जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है जहाँ भी अगर देख सकते हैं आप पुराने वाले चैप्टर्स को और साथ ही साथ चैनल पर आपको इलेवेंथ क्लास की वीडियोज़ भी लगातार मिलती रहेंगी नीट से बहुत पहले सिलेबस खत्म हो जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा ही हेल्प होने वाली है इन वीडियोज़ से अगर आपने नहीं देखी तो आप इस वीडियो को इसको शुरू किया है इसको पूरा खत्म करके देखिए तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी हो ठीक है ना तो करते हैं शुरू वीडियो को ज़्यादा बातें हम नहीं करते हमेशा से ही आज की वीडियो है हमारी बायोटेक्नोलॉजी के सेकंड चैप्टर पर जो कि है हमारा एप्लीकेशन वाला पार्ट उसमें से कुछ सवाल दो सवाल तो पेपर में आ ही जाएंगे गारंटी इस बात की तो हम देखते हैं क्या क्या आएगा चैप्टर का नईम है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन एंड बायोटेक्नोलॉजी एज यू वुड हैव लर्न फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर असेंशियल डील्स विद इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन ऑफ बायो फार्मास्यूटिकल्स एंड बायोलॉजिकल यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स का यूज करके फंजाई प्लांट्स एंड एनिमल द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड थेरेप्टिक्स डायग्नोस्टिक्स एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स फॉर एग्रीकल्चर यहाँ से सवाल आ सकता है कि बायोटेक का कहाँ कहाँ यूज हो सकता है तो इसमें आप याद रखोगे कि आप थेरेप्टिक्स में आप डायग्नोस्टिक्स में आप जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का एग्रीकल्चर में यूज़ करते हो प्रोसेस्ड फूड में बाय रिमेडिएशन में वेस्ट ट्रीटमेंट में और एनर्जी प्रोडक्शन में बाय रिमेडिएशन होता है कि ऐसी प्लांट प्लांट्स बनाना जो ज़मीन में से आपके कुछ मेटल्स को एब्जॉर्ब करके कम कर दे ठीक है ना नेक्स्ट है आपका प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेन यूजअली माइक्रोबोपियोर इंजाइम क्रिएटिंग ऑप्टीमल कंडीशन थ्रू इंजीनियरिंग एंड इंजीनियरिंग फॉर कटलरीज टू टू एक्ट डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग ये पिछले चैप्टर में हमने सब पढ़ा है चारों के चारों प्रोसेस डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी टू प्यूरीफाई द प्रोटीन एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड देट इज़ नाउ लर्न हाउ ह्यूमन बींगस हैव यूज बाय टेक्नोलॉजी टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूम लाइफ स्पेशली इन द फील्ड ऑफ फूड प्रोडक्शन एंड हेल्थ बायोटेक्नोिकल अपलीकेशनस इन एग्रीकल्चर तो सबसे पहले यह है इसमें एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर यानी कि बायो टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में, में कैसे यूज करते हैं वो फिर आगे लिखा है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में आगे लिखा है जेनेटिकल इंजीनियर क्रॉप्स बेस्ड एग्रीकल्चर में कैसे यूज करते हैं द ग्रीन रिवोलूशन सक्सेडेड इन ट्रिपलिंग इन द फूड सप्लाई बट येट इट वॉज नॉट इनफ टू फीड द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन जनता ज्यादा बढ़ रही है खाना भले ही ज़्यादा हो गया हो गेहूँ की मात्रा बढ़ गई हो लेकिन फिर भी कम पड़ रहा है तो इंक्रीज टू द यूज ऑफ द इम्प्रूव क्रॉप्स वेरायटी बट मेनली ड्यू टू द यूज ऑफ द बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस दैन यूज ऑफ एग्रोकेमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स हाउ आर फॉर फार्मर्स इन द डेवलपिंग वर्ल्ड एग्रोकेमिकल और ओपन टू एक्सपेंसिव एंड फर्दर इंक्रीज इन ईल्ड विद एक्जिस्टिंग वेरायटी आर नॉट पॉसिबल यूज इन कन्वेंसल ब्रिडिंग ये कह रहे हैं कि कन्वेंसल ब्रीडिंग से नई वेराइटी बनाना बहुत ज़्यादा ही कठिन काम है जबकि आपको पता ही है कि आपके लिए जो आप जो खेतों में फसल यूज करते हैं उस फसल को बचाने के लिए आपको पेस्टिसाइड वगैरह डालना बहुत महंगा होता है तो ये कह रहे हैं कि ऐसी फसल अगर हम बना लें जिन पर कि आपको पेस्टिसाइड्स Uh, ये सब डालने की जरूरत ना पड़े आपकी जो प्रोडक्ट है आपकी जो जो आपकी क्रॉप है वो पहले से ही रेजिस्टेंट हो और उसके अंदर बीमारी ना ही लगती हो तो वो ज़्यादा बेहतर होगा एज ट्रेडिशनल ब्रीडिंग टेक्निक फेल टू कीप द पेस विद डिमांड एंड टू प्रोवाइड सफिशियंटली फास्ट एंड एफिशियंट सिस्टम टू क्रॉप इम्प्रूवमेंट अनदर टेक्नोलॉजी कॉल कल्चर गोट डेवलप्ड वॉट डज कल्चर मीन टिश्यू कल्चर का मतलब होता है इट वॉज लर्न बाय साइंटिस्ट जूरिंग नाइनटीन फिफ्टीज़ दैट होल प्लांट कुड बी रीजनरेटेड फ्रॉम एक्स प्लांट तो ये आपको ध्यान रखना है सेल्युलर टोटिपोटेंसिस में काम आती है एक सिंगल सेल जो है वो पूरा ऑर्गेनिज बना सकती है ये इसका पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो है तो कल्चर में हम प्लांट के एक पार्ट को लेते हैं जिसको हम एक एक्सप्लांट की तरह यूज करते हैं और जैसे कि आप कोई भी लीफ ले लें ले, आपको तो इस टाइम की टिप ले लें कुछ भी पार्ट ले सकते हैं उसको हम ले जाते हैं स्ट्राइल कंडीशन के अंदर में जहाँ हम न्यूट्रेन मीडियम प्रोवाइड करते हैं उस न्यूट्रेन मीडियम के अंदर आप हार्मोन्स प्रोवाइड करते हो ऑक्सीजन साइट्रोकनिन वगैरह और जो कि उसकी अंदर सेल डिवीजन को प्रमोट करते होते हैं जिससे कि वहाँ रूटिंग शूटिंग वगैरह होती है दिस कैपेसिटी टू तो जनरेट ए होल प्लांट फ्रॉम द एक्सप्लांट इज कॉल्ड टोटिपोटेंसी ये डिफिनेशन टोटिपोटेंसी के बारे में ये सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है काफ़ी ज़्यादा यू विल लर्न हाउ टू अकम्प्लिश दिस इज अ हायर क्लास क्लास इट इज इम्पोर्टेंट टू हियर दैट द न्यूट्रिय मीडियम मस्ट प्रोवाइड ए कार्बन सोर्स सच एज सुक्रोज़ मीडियम में से होना चाहिए मीडियम के अंदर इनोडीक सोल्ट होनी चाहिए विटामिन अमीनो एसिड ग्रोथ रेगुलेटर्स हार्मोन ऑक्जीन और साइटोगेन वगैरह ये सारे के सारे वहाँ होने चाहिए जिससे कि आपकी ग्रोथ हो सके एक्सप्लांट के अंदर सेल डिवीजन होगा उसके अंदर रूटिंग होगी शूट बनेगा बाय एप्लीकेशन ऑफ दिस मैथड इट इज पॉसिबल टू अचीव प्रोपगेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ प्लांट इन वेरी शॉर्ट टाइम थोड़े समय में बहुत ज्यादा प्लांट लेट्स बन जाएंगी दिस मैथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड्स ऑफ प्लांट थ्रू कल्चर इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपगेशन माइक्रो माइक्रोपोपेशन से जितने प्लांट आप कल्चर से बनाओगे वो प्लांट सारे के सारे जेनेटिकली सिमिलर होते हैं तो एक तरह से क्लोन होते हैं वो तो यहाँ लिखा है कि ईच ऑफ दिस प्लांट विल बी जेनेटिकली सिमिलर टू द ओरिजिनल प्लांट फ्राम विच देअर क्लोन एंड दे आर सोमा क्लोन्स उन्हें कहते हैं सोमा क्लोन तो ये भी सवाल यहाँ से पूछा जाता है सोमा क्लोन क्या है सोमैटिक क्लोन्स क्या है ये पूछ लेंगे मैनी इम्पोर्टेंट फूड प्लांट लाइक टोमेटो बनाना एप्पल एक्सेट्रा के पेड़ इस तरह से ग्रो किए गए हैं तो आपको इस तरह का सवाल बोर्ड में यहाँ से कोई ना कोई सवाल क्रिएट कर देंगे नीट में भी सवाल यहाँ एग्जाम्पल का बना सकते हैं ठीक है मैन इंपॉर्टेंट फूड प्लांट लाइक टोमेटो बनाना एप्पल एक्सेट्रा हैव इन प्रोड्यूस ऑन कमर्शियल स्केल यूजिंग दिस मैथड ट्राई टू विजिट ए टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी विद योर टीचर टू बेटर अंडरस्टैंड एंड एप्रिशिएट द प्रोसेस अन अर एप्लीकेशन ऑफ द मैथड इज द रिकवरी ऑफ हेल्दी प्लान फ्रॉम डिजीज तो यहाँ पर एक और इंपोर्टेंट टॉपिक है अगर आपको ये पूछा जाएगा कि एक बीमार प्लांट है वायरस की बीमारी है उसको आप कैसे बचाओगे तो आपको ध्यान रखना है कि वायरस से जो इन्फेक्टेड प्लांट है उसका जो मेरिस्टमैटिक पार्ट होता है वो वायरस फ्री होता है वहाँ वायरस नहीं होता बस यही कॉन्सेप्ट है तो हम कहेंगे कि उसके हम मेरिस्टमैटिक पार्ट को लेंगे और उसको टिश्यू कल्चर कर लेंगे जिससे कि हमारा नया प्लांट बन जाएगा लिखा एनहेंस वन कैन रिमूव द मेरिस्टेम एंड ग्रो इट इन विट्रो टू ओब वायरस फ्री प्लांट साइंटिस्ट हैव सब्सिडी इन कल्चरिंग मैं टाइम ऑफ बनाना सुगर कैन पोटैटो एक्सेट्रा तो इस पर एग्जाम्पल लर्न करने हैं यहाँ से पूछ लेंगे साइंटिस्ट हैव आइसोलेटेड सिंगल सेल फ्रॉम प्लांट एंड आफ्टर डाइजेस्टिंग देर सेल वॉल यहाँ पे एक नई चीज दिखाई गई है जो कि है सोमेटिक हैब्रिड सोमेटिक हैब्रिड में करते हैं कि प्लांट की सेल लेते हैं उसकी वॉल हटाते हैं वॉल हटाने के बाद जो बचेगा दैट इज प्रोटोप्लास्ट ध्यान रखना इफ यू रिमूव द वॉल से प्लांट सेल द रिमेनिंग पार्ट इज कोल्ड इज द प्रोटोप्लास्ट ना प्रोटोप्लास्ट विद मेम्ब्रेन एक्चुअली मेम्ब्रेन इंक्लूडेड होती है प्रोटोप्लास्ट में मतलब प्रोटोप्लाज्म प्लस मेम्ब्रेन इज इक्वल टू प्रोटोप्लास्ट ये ध्यान रखना साइंटिस्ट हैव बीन आइसोलेटेड सिंगल सेल फ्रॉम प्लांट एंड आफ्टर डाइजेस्टिंग देयर सेल वॉल हैव बीन एबल टू आइसोलेट नेक्ड प्रोटोप्लास्ट सराउंडिंग बाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन दो प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट करेंगे प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट करने के बाद वो अलग अलग वैरायटी के प्रोटोप्लास्ट लेंगे उनको आपस में फ्यूज कराएंगे एंड उसकी उससे जो नया प्लांट बनेगा उसे हम सोमेटिक हाइब्रिड कहते हैं ठीक है ना ये ध्यान रखना ठीक है सोमेटिक हाइब्रिड कैसे बनते हैं दो प्रोटोप्लास को फ्यूज कराओ चाहे उसका इलेक्ट्रोफ्यूजन कराओ चाहे आप उसे पोली इथाइलिन ग्लाइकोल की हेल्प से फ्यूज़ कराओ ये ध्यान रखना पूछ ले कोई कभी कभी तो इलेक्ट्रोफ्यूजन या फिर पैग से हम फ्यूज करा देते हैं एंड वाइल द प्रोसेस इज कॉल्ड द सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन इमेजिन अ सिचुएशन वेन आ प्रोटोप्लास्ट ऑफ़ टोमैटो इज फ्यूज विद एट पोटैटो एंड देन दे ग्रोन टू फॉर्म न्यू हैब्रिड प्लांट्स कम्बाइनिंग टोमैटो एंड पोटैटो कैरेक्टरिस्टिक्स वेल इट हैज़ बिन अचीव्ड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ पोमेटो तो यहाँ ध्यान रखना पोमेटो में टोमेटो और पोटैटो का दोनों का प्रोटोप्लास्ट है इसमें प्लांट में ज़मीन के अंदर लगते हैं पोटैटो और ऊपर लगते हैं टोमैटो अनफॉर्चुनेटली दिस प्लांट डिड नोट हैव ऑल द डिजायर्ड कम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरस्टिक्स इन कमर्शियल यूटिलाइजेशन बाज़ार में ये नहीं बिकता है

मेड क्रॉप्स मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस कोल्ड रॉट सॉल्ट हीट नंबर टू रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स नंबर थ्री हेल्प रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लोसिस नंबर फोर इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस बाय प्लांट दिस प्रिवेंट अर्ली एग्जॉसन ऑफ फर्टिलाइज सोयल फर्टिलिटी ऑफ सोयल नंबर पाँच ये है जो नीट में आएगा इसे मार्क कर लो पूछेंगे विटामिन ए सॉरी पूछेंगे कि गोल्डन राइस में किसकी मात्रा ज़्यादा होती है ये सवाल एक बनेगा यहाँ से विटामिन ए का यह ध्यान रखना ठीक है ना इसमें हमने बीटा कैरोटीन का जीन डाल दिया है प्लांट में जिसकी वजह से गोल्डन राइस कहलाता है इसके अंदर विटामिन ए की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है यही आएगा बस यहाँ से इन एडिशन टू दिस यूज़ इज जी एम हैज बीन यूज टू क्रिएट टेलर मेड प्लांट एक बोर्ड में आने वाले डेफिनेशन ये है पूछ लेंगे टेलर मेड प्लांट क्या होते हैं तो आप बता दोगे टेलर मेड प्लांट जो है ऐसे होते हैं जिनको हमने अपने हिसाब से मैनिपुलेट किया होता है मतलब अपने लिए कोई जरूरी चीज़ की प्रोडक्ट बनवाने के लिए हमने प्लांट में कोई जीन डाला होता है और वो हमारी प्रोडक्ट बना रहा होता है देखा है कि टेलर मेरी प्लांट टू सप्लाई अल्टरनेटिव रिसोर्स टू तो इंडस्ट्रीज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्चिज एंड फ्यूल्स इन फार्मास्यूटिकल्स सम ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर दैट यू विल स्टडी इन डिटेल आर द प्रोडक्शन ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट विच कुड डिक्रीज द अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड यूज बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाई दैक्रियम कोल्ड बी टी एंड बीटी फॉर शोर्ट बी टी जीन हैज बीन क्लोन फॉर द बैक्टीरिया दट हैज़ बीन एक्सप्रेस इन प्लान टू प्रोवाइड रेजिस्टेंट अगेंस्ट इंसेक्ट विदाउट द नीड इंसेक्टिसाइड इन्फेक्ट रेटेड बायोपेस्टिसाइड एग्जाम्पल ऑफ बी टी बीटी कॉटन बीटीकॉन बीटी राइस बीटी टोमेटो बीटी सोयाबीन और बीटी पोटैटो तो यार यहाँ से आपको याद कर लेने हैं सारे सवाल सारे एग्जाम्पल यहाँ से पूछ सकते हैं इनमें से कौन कौन बीटी है बी टी ब्रंजल भी है वो यहाँ दिया नहीं है तो ये भी ध्यान रखना ठीक है अब बी टी क्या है इसके बारे में दो लाइन मेरी सुन लो एक बीटी बैक्टीरिया है जिसका नाम है बेसिलस थ पूरी फुल फॉर्म याद करनी है इस बेटी बैक्टी बैक, बीटी बैक्टीरिया के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि ये एक अगर ये बी बैक्टीरिया प्लांट बैक्टीरिया जो है इंसेक्ट कोई खा लेगा तो वो मर जाएगा उसमें ऐसा क्या होता है तो बीटी बैक्टीरिया जो होता है बीटी बैक्टीरिया के अंदर बीटी जीन होती है बीटी जीन एक ऐसी प्रोडक्ट बनाती है जो कि टॉक्सिक होती है वो टॉक्सिक प्रोडक्ट जब आप इंसेक्ट के गट में जाएगी तो वहाँ जा के वो एल्कलाइन पीएच पर एक्टिव हो जाती है और वो इंसेक्ट की इंटेस्टाइन में घाव कर देती है और इंसेक्ट मर जाता है तो इसका प्रयोग इन्होंने कैसे किया इन्होंने किया ये कि बीटी जीन को लिया बीटी जीन मतलब क्राइजीन उसको बोलते हैं ठीक है थीके? क्योंकि इसकी प्रोटीन क्रिस्टल प्रोटीन होती है तो बी जीन को लिया बीटी जीन को लेकर के हमने वो जो पीछे पड़ा था प्लांट में जीन डालने के लिए एग्रोबैक्टीरियम टू लिया उसके वेक्टर को लिया उसमें हमने टी डी हटाया उसकी जगह पर जीन लगाया और प्लांट में डाल दिया प्लांट में इंट्रोड्यूस करा दिया तो इस तरह से बीटेजीन को प्लांट में डाल देते हैं बीटेजीन अलग अलग बैक्टीरिया अलग अलग टाइप के बीटेजीन होते हैं अलग अलग टाइप के बीटी बैक्टीरिया होते हैं जो कि इंसेक्ट स्पेसिफिक होते हैं ये बात ध्यान रखना जैसे यहाँ लिखा है तो आपको याद करना है क्या सम ऑफ प्रोड्यूस प्रोटीन्स किल सर्टेन इंसेक्ट्स सच एज लेपिडोप्टेरियंस तो यहाँ से आपको लेबोडोप्टेरियंस के एग्जाम्पल लर्न करने हैं लेबोडोप्टेरस में टोबैको बर्ड बम आर्मी बम सिलप्टेरस बीटल्स एंड डायप्टेर फ्लाई मोस्किटो ये याद करना है पक्का यह आएगा यहाँ से नीट में ठीक है ना एंड बी टी फॉर्म प्रोटीन क्रिस्टल्स ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर फेज ऑफ देयर ग्रोथ दीज क्रिस्टल कंटेनर टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन ये क्या बनाती है टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन एंड वायरस दिस टॉक्सिन डो नॉट किल बैक्टीरिया इट सेल्फ बैक्टीरिया नहीं मिलेगा क्योंकि एल्कलाइन पी एच पर एक्टिव होते हैं द बीटी टॉक्सिन प्रोटीन एक्स इन एक्टिव प्रोटोटॉक्सिन एंड बट वंस इन इंजेस्ट डाई इन्जेस्ट बाई द इंसेक्ट दैट इनएक्टिव टॉक्सिन इज कन्वर्टेड टू इ एक्टिव फॉर्म ऑफ द ड्यू टू द एलक्लाइन पी एच तो ये सवाल एक है यहाँ पर यह आएगा हर जगह पूछा जाएगा है पक्का कि एल्क्लाइन पी एच पर जाकर वह एक्टिव हो जाते हैं ऑफ़ द गट विच इज सोलिब्लाइज द क्रिस्टल्स द एक्टिवेटेड टॉक्सिन बाइंड एक्टिवेटेड टॉक्सिन बाइंड टू द सर्फेस ऑफ द मिडगटिपिथी सेल एक्टिवेटेड टॉक्सिन जो है वो मिडगटिपिथीलियल सेल की सरफेस पर बाइंड हो जाते हैं एंड क्रिएट पोर्स दैट कोज द सेल्स स्वेलिंग एंड लाइसिस छेद कर देते हैं जिसकी वजह से सेल स्वेलिंग होती है और लाइसिस होती है और सेल मर जाती है ठीक है सेल कह रहा हूँ इंसेक्ट मर जाता है फिर लिखा है स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन वन आइसोलेटेड फ्रॉम बीटी एंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू द सेवरल क्रॉप प्लांट सच एज कॉटन द चॉइस ऑफ जीन डिपेंड अपॉन द क्रॉप द टारगेटेड पेस्ट एंड मोस्ट बीटी टॉक्सिन आई इंसेक्ट यूनिट में स्टेटमेंट आएगा इसको सही करके आना पेपर में आगे लिखा है द टॉक्सिन इज कोडेड बाय जीन जैसे याद करना है यहाँ से कि क्राई वन ए सी क्राई कहते हैं और जैसे कि याद करना है आपको क्राई वन ए सी क्राई टू ए भी कंट्रोल करते हैं कॉटन बॉल वम को भाई ये याद करनी है भूलनी नहीं है और जो आपका ये है भाई साहब क्राई वन ए भी ये कॉर्न बोरर को कंट्रोल करता है मतलब ये अलग अलग प्रकार के बैसिलस थ्रजियस नाम के बैक्टीरिया से निकाले गए जीन हैं जो अलग अलग बैक्टीरिया को अलग अलग इंसेक्ट को मारते हैं प्लीज़ ये आएगा पेपर में ये लर्न कर लेना ठीक है और जहां मैं मार्क कर रहा हूं ये आएगा पेपर में यहीं से पूछते हैं ध्यान से पढ़ना है इसको ठीक है ना चलो नेक्स्ट है पेस्ट असिस्टेंट प्लांट इसको पढ़ते हैं लिखा है कि पेस्ट सिसटेंट प्लान सेवरल ये टॉपिक जो है लोगों को ज़्यादा समझ नहीं आता है पर अभी तो ये ज़्यादा समझना नहीं नीट में तो हमें सवाल करके आना है अभी तो पहले मैं सवाल का बता दूंगा और वैसे समझाने के लिए लंबा टॉपिक खिंच जाएगा पर फिर भी थोड़ा थोड़ा बताऊंगा लिखा है सेवरल निमेटोर्ड्स पहली बात तो ध्यान रखना निमेटोड इस वर्ड को ध्यान देना एंड वाइड वैराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बुइंग्स अनिमेटोड इसका नाम याद करना है मेलेडोगाइन इन कोगनीशियस का नाम है ये निमेटोड है जो कि रूट ऑफ टोबैको प्लांट को इन्फेक्ट करता है ये सवाल है इस लाइन में मेलेडोग रूट ऑफ टोबैको प्लांट को इन्फेक्ट करता है ये याद करना है एंड कॉज ए ग्रेट रिडक्शन इन इट अनोवल स्ट्रेटजी वर्स टू प्रिवेंट दिस इन्फेस्टेशन इस बीमारी को रोकने के लिए एक स्ट्रेटी का यूज किया जैसे एक स्ट्रैटी है जो आर एन इंटरफेरेंस पर आधारित है आर एंड आर एन एंटरफेरेंस के बारे में आप सुन लो थोड़ा लिखा है कि आर एन ए इंटरफेरेंस टेक्सप्रेस इन ऑल यूकेटिक ऑर्गेनिज्म एज मैथड ऑफ सेलुलर डिफेंस तो होता यह है कि हमारी बॉडी में मतलब यूकेटिक ऑर्गेनिज्म के पास एक डिफेंस सिस्टम है जैसा कि अगर कोई वायरस आपके अंदर आता है ध्यान से सुन लेना एक लाइन में वायरस आप पर अटैक करता है वायरस अपना जीनोम आपकी सेल में भेजता है समझ आए ना तो आपकी सेल के पास जैसे ही वायरस अपना आर बनाएगा प्रोटीन बनाने के लिए वैसे ही आपकी सेल के पास वायरस के जीनोम के कॉम्प्लीमेंट्री कुछ सिक्वेंसिस हैं जो कि आर बनाएंगे जो जा कर के वायरस के आर से बाइंड हो जाएगा सपोज़ दैट इधर जगह है ना मान लो ये वायरस का जीनोम सॉरी ये वायरस का आर बना आपके सेल में आपके सेल के पास पहले ही एक इसके कॉम्प्लीमेंट्री आर बनाने का डी एन है आपके सेल ने आर बना दिया जो इसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा और जा करके इस पर लग जाएगा अब ये बन जाएगा वायरस का आर एक डबल स्टैंडर्ड आर जो डबल स्टैंडर्ड आर है वो डबल स्टैंडर्ड आर आपका आगे नहीं बढ़ेगा वो डबल स्टैंडर्ड आर आपका आगे प्रोटीन नहीं बना सकता और इस तरह से ये सेलुलर डिफेंस का एक तरीका है जो कि यूकेटिक सेल इसे रोकती हैं अब आप पूछोगे कि ये वायरस का जीनोम हमारी बॉडी में कहाँ से आया तो ये हमारी जो बॉडी में कहाँ से आया हमारे एक्चुअली हुआ ये है कि हमारे जीनोम पर हम पर यूकेरियोट्स पर वायरस बहुत सालों से पता नहीं कब से इन्फेक्शन करते हैं तो वायरस के इसका कुछ कॉम्प्लीमेंट्री सिक्वेंस जीनोम के हमारे में जीनोम में रह गई हैं मतलब तो दे आर स्टेइंग स्टेइंगयर हम में ही हैं वो पहले से ही हमारे अंदर आ ही रही हैं पीछे से ऐसा और दूसरा आपको ध्यान रखना है कि कुछ हमारे अंदर जो सिक्वेंसेज होती हैं जिनको कहते हैं ट्रांसपोजोन्स वो भी आपकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बनाती हैं इन सीक्वेंसेस के तो यहाँ एक डबल स्टैंडर्ड आर बनता है जिसके जिससे कि आगे इन्फेक्शन नहीं हो सकता लिखा है कि दिस मैथड इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एम आर एन ए ड्यू टू द कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आर एन ए मोलिक्यूल दट बाइंड ट्रांसलेशन ऑफ़ द एम आर एन ए साइलेंसिंग एंड द सोर्स ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट्री आर एन ए कुड बी फॉर्म एन इन्फेक्शन बाई द वायरस हैविंग आर एन ए जी और मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट तो ये याद रखना कि ये पूछ रहे हैं कि ये ये कॉम्प्लीमेंट्री आर बनाने का जिनूम आप में कहाँ से आया तो या तो किसी वायरस का यह आप में है पुराना कभी पता नहीं कब का और या फिर आपके अंदर जो है ट्रांसपोजोन्स होते हैं मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट ये ध्यान रखना इनको जंपिंग जीन भी कहते हैं ये एक सवाल है जंपिंग जीन आर ट्रांसपोजोन्स है ना फिर आगे लिखा है कि यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर एग्रोबैक्टीरियम का वेक्टर लेंगे अब ध्यान से समझना किया क्या है उसी टेक्निक का यूज़ किया है इन्होंने इन्होंने यह किया है कि इन्होंने एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर लिया वही टी डी एन वाला टी आई प्लाजमेड उसके अंदर इन्होंने निमेटोड जो था जो इन्फेक्शन करता था उसके जीन को डाल दिया निमेटोड के जीन को जो इन्फेक्शन करने वाला जीन है उसी को डाल दिया एंड इंटू द उसको फिर प्लांट में डाल दिया ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर इन्होंने निमेटोड के जीन को इस हिसाब से डाला है कि निमेटोड के जीन ने प्लांट के अंदर जा कर के दो आर एन ए बनाए निमेटोड के जीन ने प्लांट के अंदर जा कर के दो आर एन ए बनाए जिसमें से एक आर एन ये और एक ये क्योंकि वैसे तो नॉर्मली जीन एक ही आर एन बनाती है पर वहाँ उन्होंने इस तरह से इंट्रोड्यूस किया कि दोनों आर एन बने तीन से पाँच भी बना पाँच से तीन भी बना और दोनों स्टैंड कॉम्प्लीमेंट्री हो जाते हैं डबल स्टैंडर्ड आर फॉर्म कर लेते हैं ठीक है निमेटोड का ही निमेटोड स्पेसिफिक ही डबल स्टैंडर्ड आर एन जा करके प्लांट में बन गया है फिर इसके साथ बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं इसके साथ बहुत सारा काम किया गया है और इंजाम भी लगाए गए हैं मतलब फाइनली इस तरह के टुकड़े जो है डबल स्टैंडर्ड डारने के टुकड़े वहाँ पर सिंथेसाइज हो जाते हैं प्लांट के अंदर और जब असली वाला इन्फेक्शन प्लांट में होता है ओरिजिनल इन्फेक्शन जब प्लांट के अंदर होता है तो ये टुकड़े एक्टिवेट हो जाते हैं एक्टिवेट होने के बाद इनमें से ये कॉम्प्लीमेंट्री टुकड़ा जा जा करके असली वाले के साथ जुड़ जाता है और उसको यहाँ पर टुकड़ों में काट दिया जाता है कुछ इंजाम की मदद से तो मैं उतना ज़्यादा नहीं जा सकता डीप में कि कैसे हुआ है प्रोसेस पे नहीं जाना है अभी आपको पर फाइनली ये होता है कि जो आपका इन्फेक्शन होता है प्लांट मिनिमिटोड का उसको उसी के द्वारा आप जो बनाए गए आर की जो जीन जो थी उसी के आर से जुड़वा करके उसी के आर को उसके कॉम्प्लीमेंट्री बनवा करके प्लांट के अंदर उसके इन्फेक्शन को रोका जाता है इस तरह की कहानी है ज़्यादा अभी मतलब टॉपिक लंबा बन जाएगा तो आपको तो करना है सीधा सीधा सवाल सवाल ये है कि वहाँ पर डाला गया है जीन इस तरह से कि सेंस और एन सेंस आर दोनों बनेंगे सेंस आर होता है फाइव टू थ्री वाला एंटीसेंस आरएनए सेंस आर एन थ्री टू फाइव वाला होता है दोनों दोनों बनेंगे नॉर्मली तो पाँच से तीन बनता है ना पर दोनों बने

नेक्स्ट हेडिंग है आपका बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन मेडिसिन में क्या क्या एप्लीकेशन है तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये यह पैराग्राफ हम बिल्कुल नहीं पढ़ने वाले यहाँ एक कहानी लिखी है इंसुलिन की इसको मैं नहीं पढ़ने वाला क्योंकि थोड़ा बहुत आप पढ़ लेना यहाँ से यहाँ तक का ये ऐसी बात है अभी अपन जो काम की बात है वो यहाँ से पढ़ने वाले हैं आगे से कि हुआ ये कि लार्ज क्वान्टिटी ऑफ इंसुलिन चाहिए था पूरी पॉपुलेशन है पॉपुलेशन को लगातार इंसुलिन की ज़रूरत है सबको शुगर है ज़्यादातर तो लोगों को शुगर हो गई है तो इंसुलिन कहाँ से आएगा तो इंसुलिन शुरुआत में क्या करते थे लोग यहाँ से पढ़ना है सिर्फ ये आएगा पेपर में शुरुआत में इंसुलिन यूज फॉर डायबिटीज वॉज अर्लियर एक्सटेक्टेड फ्रॉम द पेनक्रियाज ऑफ द स्लोटेड एंड पिग एक स्टेटमेंट ये बनेगा यहाँ पर जो आपको करके आना है पेपर में दूसरा आपको याद करना है इंसुलिन फ्रॉम एनिमल सोर्स दैट कोज एलर्जी ये भी नीट में या बोर्ड में दोनों जगह आएगा सवाल कि ये एलर्जी करता है तो आप इसे मार्क कर लोगे इसके बाद आएगा आपसे कि ऑन द अदर टाइप ऑफ रिएक्शन दैट फॉरन प्रोटीन इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ टू शॉर्ट पोलिप्टाइड चेन चेन ए एंड चेन बी इंसुलिन जो है वो दो चेन का बना होता है एक चेन ए का बना होता है और एक चेन बी का बना होता है उसकी स्ट्रक्चर ही आपको समझनी है मेन बात वही है छोटी सी कि वो कैसे बना होता है तो लिंक बाय डाइसल्फाइड सेल्फाइट बोन्ड अगले पेज पर फोटो है फोटो को समझाऊँगा वहीं से क्वेश्चन बन जाएगा आसान सा देखो ये फोटो बना सिंपल हुआ होता ये है कि नॉर्मली अगर हमें हमारे अंदर इंसुलिन बनता है तो इंसुलिन की कोई जीन है मान लो ये इंसुलिन की जीन है इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा ट्रांसलेशन होगा और उससे प्रोटीन बनेगी जो कि आपके सामने बनी हुई है ये वाली ये वाली ये प्रोटीन जो है किससे बनी है इंसुलिन की जीन से बनी है जो कि हमारे अंदर है अब होता यह है कि हमारे अंदर प्रोसेसिंग होती है इस प्रोटीन की प्रोसेसिंग के दौरान इस प्रोटीन का जो इतना हिस्सा है ये वाला जो ग्रे कलर का हिस्सा दिख रहा है आपको इसे कहते हैं सीप सी पेप्टाइड ये सी पेप्टाइड हटा दिया जाता है प्रोसेसिंग में क्योंकि फाइनल इंसुलिन का ये हिस्सा नहीं होता पर जीन का पार्ट था ये जीन में इसकी इन्फॉर्मेशन थी पर यह प्रोटीन हट गई काट दी गई हमारे अंदर प्रोसेसिंग हुई और फिर फाइनली जो सी पेप्टाइड हटेगा और ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड जुड़ जाएगा ए पेप्टाइड छोटा है बी पेप्टाइड बड़ा है पहले सवाल आते थे इनके इतने सड़ैब तो नहीं आएंगे ठीक है ना पर फिर भी आप इतना देख लेना ए स्मॉल है बी बड़ा है और दोनों के दोनों आपस में डाइसल्फाइड बोन से जुड़े हुए होते हैं इस तरह से और ए चेन में एक इंट्रा चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड भी है ये भी याद कर लेना ठीक है ना और आपका जो सी पेप्टाइड है वो हट जाएगा तो फाइनल इंसुलिन ऐसे बनता है अब एक डाईपेप्ट है इंसुलिन डाई पैप्टाइड है और अब आप समझने की बात समझो होता ये है कि अगर मैं इसकी जीन को लेकर के किसी बैक्टीरिया में लगा दूँ मान लो मैंने इसकी जीन ली और बैक्टीरिया में डाल दी तो ये जो ये वाला इंसुलिन बनेगा ये वाली चेन बनेगी जिसमें कि सी पेप्टाइड होगा पर फाइनल इंसुलिन में सी पेप्टाइड होता नहीं है तो सी पेप्टाइड तो हमें नहीं चाहिए अब सी पेप्टाइड नहीं चाहिए तो फिर बैक्टीरिया में ऐसा क्या करे कि सी पेप्टाइड हटे तो भाई बैक्टीरिया में तो ऐसा जुगाड़ हो नहीं सकता कि उसका सी पेप्टाइड काट दे समझ तो आई ना बात प्रोसेसिंग वाला मैटर ये हो नहीं पाया वहाँ तो इन्होंने क्या टेक्निक अपनाई कि इन्होंने ए चीन ए चेन ली और ए चेन की जीन बनाई अलग से और इन्होंने फिर बी चेन की जीन बनाई अलग से ए चेन की अलग जीन बनाई बी चेन की जीन बनाई इन उल्टा पहले इन्होंने प्रोटीन से आरएनए बनाया आरएनए से डीएनए बनाया तब जाके जीन बनी और ए चेन से अलग पेप्टाइड बनाया बी से अलग बनाया फिर दोनों को डाइसल्फाइड बोन बनवा दिया जिससे कि बन सका इंसुलिन समझ आया देखो इन मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन इंसुलिन इज इंथे प्रो हॉर्मोन लाइक द ऑल्सो नीड फोर प्रोसेस्ड बिफोर इट बिकम द फुल्ली मेच्योर एंड फंक्शनल विच कंटेन एक्स्ट्रा स्ट्रेच ऑफ सी पेप्टाइड द सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन द मेच्योर इंसुलिन एंड इज रिमूव ड्यूरिंग द मेच्योरेन इन टू द इंसुल मेन चैलेंजेस फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन यूजिंग आर डी एन ए टेक्निक वॉज गेटिंग इंसुलिन असेंबल्ड इन टू अ मेच्योर फॉर्म इन नाइनटीन एट्टी थ्री यहाँ से नीट में आएगा ये एक सवाल तो यह आएगा कि फाइनल में क्या नहीं होता सीप अपटाइड नहीं होता एक सवाल यह है नाइनटीन एट्टी थ्री में एन एली नाम की कंपनी अमेरिकन कंपनी थी जिसों ने दो डी एन ए सिक्वेंस बनाए और दो जीन बनाई जो कि आपकी ए चेन की बी चेन की थी फिर दोनों से प्रोटीन बनी और दोनों की प्रोटीन को ए, मतलब ईक्लाई में प्रोटीन बनाई गई और दोनों से फाइनली इंसुलिन बनाया गया जिसे बाजार में ह्यूमिन के नाम से बेचा जाता है ह्यूमलिन का सवाल कभी आया तो बता देना ह्यूमलिन इज ह्यूमन इंसुलिन ठीक है ना तो यहाँ से कंपनी का नाम ये ईयर ये, ये याद करना है भाई बस यही आएगा नेक्स्ट है जीन थेरेपी जीन थेरेपी में क्या है भाई ये भी आसान सा टॉपिक है बहुत ज़्यादा दो चार सवाल बन जाएंगे यहाँ से ये लिखा है कि इन इफ ए पर्सन इज बोर्न विद अ हेडिटेड डिजीज अगर किसी पर्सन में पैदा होते के साथ ही ऐसी बीमारी है कि वो पीछे से ही कोई प्रॉब्लम लेके है जीन रिलेटेड मतलब उसकी जीन में कोई म्यूटेशन है जीन में कोई चेंज है तो उसके अंदर एक प्रॉब्लम रहेगी कि वो प्रोटीन नहीं बन रही होगी जो वो मतलब काम की प्रोटीन नहीं बन रही होगी उस जीन से रिलेटेड प्रोटीन नहीं बन रही होगी तो फाइनली बात यह है कि उस जीन को करेक्ट करना है तो कैसे करते हैं करेक्शन देखो इफ ए पर्सन इज बोर्न विदिटेड डिजीज कैन ए करेक्टिव थेरेपी बी टेकन फॉर सच ए डिजीज़ जीन थेरेपी इज एन अटैम्प टू डू दिस जीन थेरेपी इज अ कलेक्शन ऑफ मेथड दैट अलाउ करेक्शन ऑफ अ जीन डिफेक्ट दैट हैज बीन डायग्नोज इन अ चाइल्ड एम्ब्रियो हियर जीन्स आर इंसर्टेड इन टू ए पर्सन सेल्स एंड टिश्यू टू ट्रीट डिजीज करेक्शन ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट इन्वॉल्व डिलीवरी ऑफ ए नॉर्मल जीन इन टू द इंडिविजुअल और एम्ब्रिय टू टेक आउट फंक्शन ऑफ कंपनसेट फॉर द नॉन फंक्शनल जीन करते यहाँ से समझना है आसान सी चीज़ें देखो एक लड़की है लिखा है द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वॉज गीवन इन नाइनटीन नाइनटीन फोर ईयर गर्ल्ड अशांत दसिल्वा ये गर्ल चार साल की है उन्नीस सौ नब्बे की याद रखोगे आप उसको थी एडिनोसिन डी एमिनेज इंजाम की इस इंजाइम की कमी थी इस इंजाइम की कमी को दिस इंजाम क्रूशियल फॉर इम्यून सिस्टम के लिए इंजाइम क्रूशियल था वैसे ये इंजाइम एडिनोसिन डी एमिनेज है एडिनोसिन का इम्यून ग्रुप हटाता है और ये इम्यून सिस्टम के लिए महत्वपूर्ण है मतलब टी सेल्स वगैरह को ही चाहिए होता है ज़्यादा ऐसा ये हो इसकी वजह से अगर मान लो ये एंजाइम नहीं होगा तो आप एक बात समझ लो ये एंजाइम नहीं है तो सिंपल है इम्यून सिस्टम धड़ाम हो जाएगा इम्यून सिस्टम गिर जाएगा और बीमारी हो जाएगी जिसका नाम है एस सी आई डी सीवियर कम्बाइंड इम्यूनोडेफिशेंसी इसकी वजह से लिखा है डिसऑर्डर इज कॉज्ड ड्यू टू द डिलीशन ऑफ द जीन फॉर एडिनोसिन डी इन सम चिल्ड्रन एडीए डेफिशेंसी कैन भी क्योर बाई बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन इन अदर्स इट कैन भी ट्रीटेड बाई इंजाइम रिप्लेसमेंट थेरी देखो ऐसा है आप ये इंजाइम बाहर से बनवाओ पेशेंट को दो चलता रहेगा काम या फिर किसी का बोन मैरो बदल दो चलता रहेगा काम लेकिन इन विच फंक्शनल ए डी ए फंक्शनल इंजाइम इज गिवन टू द पेशेंट बाई इंजेक्शन बट बाय द प्रॉब्लम विद बोट डिजीज बोट द अप्रोच दैट दे आर नॉट कम्प्लीटली क्यूरेटिव इनसे पूरी तरह ठीक नहीं हो सकता एक और तरीका है एज अ एज अ फर्स्ट स्टेप द जीन थेरेपी जीन थेरेपी में पहली चीज़ करते हैं कि उस आदमी के लिम्फोसाइड निकालते हैं बंदे की लिफोसाइड निकालते हैं उनको कल्चर करते हैं बाहर और फिर हम एक डी बनवाते हैं जो कि फंक्शनल ए डी ए सी डी एन ए हैं मतलब ये फंक्शनल ए डी ए सी डी एन ए मतलब आर एन ए से डी एन ए बनवाया है प्रोटीन से आर एन ए से डी एन ए ऐसे उल्टा बना है डी एन ए ये सी डी एन ए कहलाता है तो सी डी एन ए बनवा करके आपने एडीनोसन डी एम का और रिट्रोवायरस की मदद से आपने डिसार्मिंग करके रिट्रोवायरस की इसे लिम्फोसाइट में डाल दिया ठीक है लिम्फोसाइट के अंदर जीन डाल दिया जैसे पीछे पड़ा था डिसर्मिंग कैसे करते हैं ठीक है ना इसका कैंसर वाला पार्ट हटाया होगा अपनी जीन डाल दी होगी ऐसा हुआ होगा विचार सब्सिक्वेंटली रिटर्न टू द पेशेंट हाउ एवर एज दी सेल्स आर नॉट इमोर्टल क्योंकि ये सेल इमोर्टल नहीं होती द पेशेंट रिक्वायर पीरियडिक इन्फ्यूजन ऑफ सच जेनेटिकली इंजीनियड इम्फोसाइट भाई ये सेल जो है लिम्फोसाइट पाँच चार दस दिन में मर जाएंगे है ना तो भाई बार बार कैसे होगा फिर बार बार लिप्पोसाइड डालते रहो तो ये भी क्योर नहीं है कंप्लीट क्योर नहीं है ठीक है हाउ वेर इफ द जीन इज आइसोलेटेड फ्रॉम मैरो सेल्स प्रोड्यूसिंग ए डी इज इंट्रोड्यूस इन टू द सेल इन अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज अब भाई मान लो अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में अगर डाल दो जीन तो तो मामला सुधर सकता है अदरवाइज नहीं सुधर सकता अदरवाइज आपको बार 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 इंजैम डालते रहो या फिर बार बार लिंपोसाइड बनाओ और उसके बोन मैरो में डालते रहो बार बार तो 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 हो सकता है ठीक है चलिए नेक्स्ट है ओरिकुलर डायग्नोसिस मतलब ये लिखा है कि यहाँ पर आपको डायग्नोसिस जो है पहले मतलब आज की तारीख में तो डायग्नोसिस मतलब ऐसे होती है कि भाई यूरिन टेस्ट हो रहा है ब्लड टेस्ट हो रहा है तो यहाँ लिखा है कि भाई ये वाला टाइम ये वाला टाइम चला गया है इसमें कि पैथोजन जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है जब जाकर के ब्लड में सैंपल का पता लगता है उससे पहले नहीं पता लगता तो आजकल कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे कि हम सैंपल को बहुत कम मात्रा में जब आपकी बॉडी में हो जब आपकी बॉडी में बहुत कम बैक्टीरिया बहुत कम कंसनट्रेशन में हो तब भी हम पहचान सकते हैं यू नो दैट फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज अर्ली डायग्नोसिस एंड अंडरस्टैंडिंग इन प्लान पैथोफिजियोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट यूजिंग कन्वेंशनल मेथड ऑफ डायग्नोसिस सीरम एंड यूरन एनालिसिस अर्ली डिटेक्शन इज नॉट पॉसिबल एंड रिकमेडी पोलिमेच रिएक्शन एन इंजाइम के फुलफॉर्म याद कर लेना यह वेस्टर्न ब्लोटिंग पर आधारित टेस्ट है इसमें प्रोटीन टेस्ट करते हैं प्रोटीन से ऐसा एंड आर समिकॉरपज अर्ली डायग्नोसिस प्रेजेंस ऑफ पैथोजन बैक्टीरिया वायरस एक्सेप्ट इज नॉर्मली सस्पेक्टेड ओनली वैन द पैथोजन हैज प्रोड्यूस्ड अ डिजीज सिम्टम बाय दिस टाइम द कंसनट्रेशन ऑफ पैथोजन इज ऑलरेडी वेरी हाई तो जब तक आप ये टेस्ट करते हो जब तक पैथोजन की कंसनट्रेशन बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है हाउ एवर वेरी लो कंसनट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया वायरस एट दिमटम विजिबल कैन भी डिटेक्टेड बाई द एम्पलीफिकेशन ऑफ द डी एन ए बाई द पी सी आर ये कह रहे हैं कि अगर आपको बहुत कम समय में मतलब जब आपकी बॉडी में सैंपल बहुत कम होगा जब आपकी बॉडी में बैक्टीरिया बहुत कम कंसनट्रेशन में हो तब भी हम उनके जीनोम को आइसोलेट करके सैंपल से उसे पीसीआर लगा के पीसीआर में उसके डीएनए को बढ़ा के एम्प्लीफाई करके उसके रिलेटेड प्राइमर डाल के तब वो एम्पलीफाई होगा अगर वो एम्प्लीफाई हो जाता है तो आपका वहाँ पर पता लग जाएगा कि आपकी बॉडी में इन्फेक्शन है या फिर वो बैक्टीरिया है ये थोड़ा सा टेस्ट आप ध्यान से सुन लो दोबारा से पी में करते हैं जो कि आपको पता ही है डीएनए लेते हैं उसके स्पासिफिक प्राइमर डालते हैं वो प्राइमर अगर एम्पलीफाई हो जाते हैं प्राइमर अगर जुड़ जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस पर जाकर डीएनए की मात्रा बढ़ गई अगर डीएनए की मात्रा बढ़ जाती है तो इसका मतलब पॉजिटिव टेस्ट है और आपके अंदर इन्फेक्शन है कैन यू एक्सप्लेन हाउ पी कैन डिटेक्ट वेरी लो अमाउंट ऑफ डी एन ए इज नाउ रूटीनली यूज फॉर एच के लिए पी करते हैं इट बी यूज टू डिटेक्ट म्यूटेशन इन जीन अगर जीन म्यूटेशन है तो वो भी हम पी से टेस्ट कर सकते हैं पी डाल के मतलब प्राइमर डाल के चेक कर सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री हैं बाइंड हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं म्यूटेशन है तो बाइंड नहीं होंगे एम्प्लीफिकेशन नहीं होगा एंड इट इज़ पावरफुल टेक्निक टू आइडेंटिफाई मैनी अदर जेनेटिक डिसऑर्डर्स अ सिंगल स्टैंडिंग डीएनए और आरएनए ये अलग से एक और चीज़ है ऐसा कर सकते हैं कि हम रेडियो एक्टिव डी बना लें रेडियो एक्टिव प्रॉप बनाएँ और सैम्पल ले सैंपल लेकर के टुकड़े काट ले उसमें डाल दे अपने प्रॉब्स को अगर प्रॉप जा करके कॉम्प्लीमेंट्री सिक्वेंस के बाइंड हो जाते हैं और ऑटो रेडोग्राफी करने पर मिल जाते हैं चमक पैदा हो जाती है तो इसका मतलब सैंपल में इन्फेक्शन मतलब सैंपल में डी था सैंपल में बैक्टेरिया डी एन था तो सिंपल टेस्ट है ये भी कर सकते हैं सदन रोटिंग की तरह लिखा है कि अगर आप एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए एन ए आर एन ए टैग द रिडक्टिव मोलिक्यूल प्रॉब लें अगर आप एक प्रॉब लेते हैं उसे आप डि उसके अगर आप उसे सैंपल में डाल दे और सैंपल में जाकर के प्रॉप तुम्हारा जुड़ गया और वो क्योंकि हमने स्पेसिफिकली बैक्टीरिया के कॉम्प्लीमेंट्री लिया था तो सैंपल में आपको डिटेक्शन हो जाएगा ऑटोडोग्राफी से और आपको पता लग जाएगा कि सैंपल में बैक्टीरिया था द क्लोन हैविंग द म्यूटेटेड जीन विन हैं नोट अपियर ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म बिकॉज द प्रॉब विल नॉट हैव कॉम्प्लीमेंटरी विद द म्यूटेटेड जीन अगर आप किसी म्यूटेटेड जीन को चेक करना चाहते हो सैंपल लो आइसोलेट करो और आप उस जीन के कॉम्प्लीमेंट्री प्रोप डाल दो प्रोप जाके चिपक गया तो इसका मतलब जीन सही है नहीं चिपका तो जीन में म्यूटेशन है ठीक है ना नेक्स्ट है लाइजा इसकी फुल फॉर्म याद करनी है एड्स के लिए टेस्ट करते हैं ज़्यादातर ये है, वैसे तो करती हैं वेस्टर्न ब्लोटिंग पर आधारित है सवाल ये आएगा पेपर में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन देखते हैं इसमें लिखा है कि अगर हम जो है यहाँ हम एंटीजन को भी टेस्ट कर सकते हैं एंटीबॉडी को भी टेस्ट कर सकते हैं दोनों को टेस्ट कर सकते हैं जैसे कि मतलब अगर आपकी बॉडी में एच है तो एच के ख़िलाफ़ एंटीबॉडी भी बनी होंगी तो उसको भी टेस्ट कर सकते हैं और या फिर एंटीबॉडी टेस्ट कर लो या फिर एंटीजन एंटी टेस्ट कर लो दोनों कर सकते हैं सिंपल है ये भी ठीक है यहाँ से आपको फुल फॉर्म मिलेगी और किस पर आधारित है किस पर बेस्ड है ये सवाल आ सकता है दिखा है आगे ट्रांसजेनिक एनिमल

इसलिए मनाते हैं नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट के लिए मनाते हैं सबसे पहले लिखा है ट्रांजेिक एनिमल कैन बी स्पेसिफिकली डिजाइन टू अलाउ द स्टडी ऑफ हाउ जीन्स आर रेगुलेटेड एंड हाउ दे अफेक्ट द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी एंड इट्स डेवलपमेंट मतलब ये जानने के लिए कि जीन कैसे काम करती है जीन का रेगुलेशन कैसे होता है एन एक्जाम्पल स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्टर इन्वाल्ड इन द ग्रोथ ऑफ सच इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर बाय इंट्रोड्यूसिंग जीन फ्रॉम अदर स्पीसीज दैट अल्टर द फॉर्मेशन ऑफ दिस फैक्टर इन स्टडिंग द बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रिजल्ट इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन अबाउट द बायोजिकल रोल फैक्टर इन द बॉडी अगर आपको जीन के किसी फंक्शन जानने हो इस चीज के लिए आप ट्रांसजेनिक एनिमल बनाते हैं जिसमें कि आपको उसके फंक्शन का पता लग जाएगा नेक्स्ट स्टडी डिजीज अगर आपको किसी डिजीज़ की स्टडी करनी हो जैसे कि मैंने ट्रांजेंडिक एनिमल आर डिजाइन टू तो इंक्रीज अर अंडरस्टैंडिंग टू हाउ जीन कंट्रीब्यूट टेवलपमेंट ऑफ डिजीज दीज आर स्पेसिफिकली मेड टू सर्वे द मॉडल फॉर ह्यूमन डिजीज सो दैट इन्वेस्टिगेशन ऑफ न्यू न्यू ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज इज मेड पॉसिबल टूडे ट्रांसजेनिक मेथड मॉडल एग्जिस्ट फॉर मैनी ह्यूमन डिजीज सच एज कैंसर सिस्टिक फाइब्रोसिक रिमिटेड अर्थराइटिसमर्स नेक्स्ट है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट इसमें से नीट में एक सवाल आएगा माक कर लो मेडिसिन रिक्वायर्ड टू ट्रीट सर्टेन ह्यूमन डिजीज कैन कंटेन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बट सच प्रोडक्ट आर ऑफन एक्सपेंसिव टू मेक ट्रांजेनिक एनिमल दैट प्रोड्यूस यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट कैन ब्रिएटेड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोर्शन ऑफ द डीएनए विचकोड फॉर ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स चेस यहाँ से नीट में एक सवाल आएगा जैसे कि ह्यूमन प्रोटीन एल्फावन एंटीटिप्सिन बनाई जाती है किसी के अंदर जीन डाल के इसका काम है ये एम्फाइसीमा को ट्रीट करती है दूसरा सवाल सिमिलर टाइम आर बींग मेड टू अटेंडमेंट ऑफ फिनाइल किटोन्यूरिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए भी ऐसा किया गया है ये भी याद करना है फिर लिखा है कि नाइनटीन नाइन्टी सेवन में ये याद करना है फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ है बो नहीं है रोजी प्रोड्यूस्ड ह्यूमन प्रोटीन इन दिस मिल्क 2.4 ग्राम पर लीटर ये याद करना है द मिल्क कंटेन अल्फ़ा लेक्टाल ये याद करना है एंड वॉज न्यूट्रिशनल ये मोर बैलेंसड प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन बेबीज इज़ द नेचुरल काउ मिल्क ये याद करना है ठीक है ना तो यहाँ से दो तीन सवाल बन जाएंगे जरूर याद कर लेना ये 1997 नाइन्टी सेवन काऊ रोज़ी नाम अल्फ़ा वन लेफ़ा ह्यूमन लेक्टाल ये ये याद करना है ज़रूर वैक्सीन सेफ्टी के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल बनाए जाते हैं किससे की पता मतलब वैक्सीन ह्यूमंस को देने से पहले ट्रांसजेनिक एनिमल को दी जाती है ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग डेवलप्ड फॉर यूज इन टेस्टिंग द सेफ्टी ऑफ वैक्सीन बिफोर दे आर यूज ऑन ह्यूमन ट्रांसजेनिक माइस आर बींगूज टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ पोलियो वैक्सीन इफ सक्सेसफुल फाउंड रिलायबल दे कुड रिप्लेस द यूज ऑफ मंकी टू टेस्ट द द सेफ्टी बैच ऑफ वैक्सीन पहले माइस को देते हैं उसके बाद मंकी को देते हैं फिर ह्यूमन को बाद में देते हैं और ये ट्रांसजेनिक इस तरह के होते हैं अगर ये वैक्सीन प्रॉब्लम करेगी तो इनको ये बढ़ चढ़ करेगी बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रॉब्लम कर देगी अगर ये प्रॉब्लम करेगी तो अगर आप में थोड़ी प्रॉब्लम करेगी ना तो इनमें बहुत ज़्यादा करेगी ऐसे बनाए जाते हैं नेक्स्ट है केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग दिस इज नोन एज टॉक्सिसिटी टीज सेफ्टी टेस्टिंग द प्रोसीजर इज द सेम एज दैट यूज फॉर टेस्टिंग टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग्स ट्रांसजेनिक एनिमल आर मेड दैट कैरी जीन विच मेक दैम मोर सेंसिटिव टू टॉक्सिक सब्सटेंस मतलब ऐसे आएगी अगर कोई दवाई है कुछ भी है अगर वो टॉक्सिन है तो वो ट्रांसजेनिक एनिमल को बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर देगा और जिससे कि मतलब अगर उनमें टॉक्सिसिटी हो रही होगी तो फिर आपको वो दी नहीं जाएंगी अगर उनमें नहीं हो रही है तो आप में बिल्कुल नहीं होगी टॉक्सिसिटी ये ध्यान रखना ठीक है तो ये है नेक्स्ट हेडिंग है द लास्ट हेडिंग है एथिकल इश्यूज़ और एक आधा सवाल यहाँ से भी आ जाएगा पढ़ देते हैं फटाफट से द मैनिपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय द ह्यूमन रेस कैन नॉट गो ऑन एनी फर्दर विदाउट रेगुलेशन समाधिकल स्टैंडर्ड रिक्क्वायर टू एवेट द मोरिटी ऑफ ऑल ह्यूमन एक्टिविटी दट माइट हेल्प टू होम लिविंग ऑर्गेजम गोइंग बियॉन् द मोरिटी ऑफ सच इश्यू द बायोजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ सच थिंग्स इज ऑल्सो इम्पोटेंट जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गेजिम कैन हैव अनप्रडिक्टेबल रिजल्ट ये कह रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है मान लो किसी के अंदर आपने कुछ जीन डाल दी और उस प्लांट ने या उस एनिमल ने मतलब वो उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी मतलब वो फैल गया बहुत ज़्यादा तो उसकी वजह से इकोसिस्टम अनस्टेबल हो जाए ऐसा भी हो सकता है Therefore, the Indian government has set up an organization such as GEACK full form mein, yaad lena, and which will make the decision regarding the validity of GM research and the safety of introducing GM organism for public service. Matab, the modification uses of living organism uh, for public service as food and medicine sources, for example, has also created a problem with patent granted for the same. There is a growing public anger that certain companies are being granted. पेटेंट फॉर प्रोडक्ट दैट टेक्नोलॉजी दैट मेक यूज ऑफ द जेनेटिक मटीरियल प्लान एंड अरबिकल रिसोर्स दट है लॉन्ग बीन आडेंटीफाइड डेवलप्ड एंड यूज बाय द फार्म एंड इंडिजिनस पीपल ऑफ ए स्पेसिफिक कंट्री मतलब ये है कि अगर जैसे कि मतलब ये है कि हल्दी में एंटीबाटिक के गुण होते हैं एंटीसेप्टिक हल्दी होती है जैसे कि नीम में भी एंटीसेप्टिकॉ गुण होते हैं बहुत सारे तो ये सारी चीज़ें अगर आपको पता है और ये कोई कंपनी अगर अपना बना करके अपने नाम पर पे पेटेंट रजिस्टर करा ले और अपने नाम से बेचने लगे तो ये वाली बातें हैं इनको रोकना होता है कि कोई भी आपकी नॉलेज को बिना बताए बिना उसका कंपनशिएट करे उसे यूज ना कर सके तो यहाँ लिखा है कि grain, years, in in India, world, राइस एंड इम्पोर्टेंट फूड ग्रेन द प्रेजेंस ऑफ विच को बैक थाउजेंड्स ऑफ यर एशियन एग्रीकल्चर हिस्ट्री देर आर एन एस्टिमेटेड ट्वेंट टू लैक वेराइटीज ऑफ राइस इन इंडिया लोन द डाइवर्सिटी ऑफ राइस इन इंडिया वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्स इन द वर्ल्ड बासमती राइस एक यहाँ का है जिसका बहुत सारी खुशबू है ये लाइन पूरी याद करनी है सत्ताईस बासमती की वेराइटी ग्रो की जाती है इंडिया में रेफरेंस टू बासमती बासमतीन टैक्स फोलकोर एंड पोएट्री एज इन हैज बिन ग्रोथ फॉर सेंचुरी नाइनटीन नाइन्टी सेवन में अमेरिका की कंपनी थी इसका नाम था राइस टैक राइस टैक कंपनी ने बासमती राइस की एक नई वेरायटी बनाई जिसको उन्होंने टैक्समती के नाम से रजिस्टर कर लिया और रजिस्टर करने के बाद उन्होंने उसे बेचना शुरू किया बाद में इसके खिलाफ पेटेंट जो है मतलब इसके खिलाफ केस किया गया तो लिखा है इंडियन बासमती व क्रॉस विथ सेमी डॉक् वैराइटीज़ एंड क्लेम एज ए न्यू इन्वेंशन और द नोवल्टी द पेटेंट एक्सटेंड टू फंक्शन इक्वल एंड एम्प्लाइंग दैट अदर पीपल सेलिंग बासमती राइस को बी रेस्ट्रिक्टेड बाई द कंपनी प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेस बेज ऑन इंडियन ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिन जैसे कि हल्दी पर भी लोगों ने ऐसे किया है नीम पर भी ऐसी किया है नीम हमारा नेटिव प्लांट है इफ़ यू आर नॉट विजलेंट टू एंड वी डो नॉट इमीडिएटली काउंटर दिज पेटेंट एप्लीकेशन अदर कंट्री इंडिविजुअल इन कैश आर रिचली गैसी एंड वी मे नॉट एबल टू डू एनी थिंग अगर आपने इस समय से इस पर एक्शन नहीं लिया तो आपका सामान ले जाएगा कोई बायो पायरेसी इज द टर्म यूज़ फॉर द रेफर टू यूज ऑफ बायोर्स बाई मल्टी नेशनल कंपनीज विदाउट द एंड अदर ऑर्गेनाइज विदाउट प्रॉपर ऑथोराइजेशन फ्रॉम द कंट्री एंड पीपल कंसर्न विदाउट कंपनसेटरी पेमेंट लोगों को बिना पैसे दिए उनके जो रिच रिसोर्स है उसका यूज कर लेते हैं कुछ कंपनी ये बायो पायरेसी कहलाती है मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल नेशन आर रिच फाइनेंशली बट पुअर इन बायोडाइवर्सिटी लेकिन हम तो बहुत ज़्यादा हैं और हमारा सामान ऐसी बट रहा है फ्री में In contrast, the developing and underdeveloped world is rich in biodiversity and traditional knowledge related to bioresource. Traditional knowledge related to the bioresource can be exploited to develop modern applications and can also be used to save time, effort, and expenditure during their commercialization. There has been growing realization of the injustice, and inadequate compensation, and benefit sharing between developed and underdeveloped developing countries. Therefore, some nations are developing a law to prevent such unauthorized exploitations of their bioresource and traditional knowledge. ये लास्ट लाइन है मेरे भी पूछ सकता है कोई पढ़ लेना द इंडियन पार्लियामेंट हैज रिसेंटली क्लियर द सेकेंड अमेंडमेंट ये पूछ लेंगे कौन सा अमेंडमेंट हुआ है सेकेंड अमेंडमेंट किया है इंडियन पेटेंट बिल में जो कि इन इशूज़ को कंसिडर करता होता है इंक्लूडिंग पेटेंट एंड टर्म इमरजेंसी प्रोविजन ये लाइन नीट में आ सकती है भाई ये खतरनाक है बहुत ठीक है एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव ठीक है ना तो या ये भाई बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन का जब खत्म हो जाता है और आपने काफ़ी पेशेंस रखा होगा यहाँ तक पढ़ते हुए लेकिन आपको दो तीन सवाल यहाँ से ज़रूर मिल जाएंगे और इससे आगे फिर आपको लगातार चैनल पर चैप्टर मिलने वाले हैं ऑर्गेन्यूमन पॉपुलेशन रहता है हमारा बायोडाइवर्सिटी वाला चैप्टर रहता है हमारा और माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर और ह्यूमन हेल्थ में भी आई थिंक तो उन चैप्टर्स को हम कवर करेंगे जो हमारे रहते हैं और फाइनली अभी जो है यहाँ हमने बायोटेक्नोलॉजी अप्लीकेशन को पूरा कर लिया है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर कमेंट करना लाइक करना सब्सक्राइब करना देखना और दोस्तों को जरूर शेयर करना ठीक है ना थैंक यू सो मच पूरे देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बने रहना चैनल पर टेक केयर बाय बाय